जोहार। आज एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थियोरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मिक्स 50 क्वेश्चंस हैं। कोई पॉलिटिकल थ्योरी में नेशनल इंटरनेशनल थ्योरी भी इंक्लूडेड है। अगर आप जेपीएससी पीटी का देख रहे हैं इस बार या 11-12 के क्लास का तैयारी में हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़रूर करने का कोशिश करिएगा, कितना सवाल आपसे हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार में अवरोध पैदा कर सकता है? मैकेनिकल प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इन। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए है सही आंसर, नई दिल्ली में पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एन इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा? देखिए वर्क का रिकॉग्निशन मिले, जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज। फिर आपको ये लगे कि जॉब सिक्योर है। देखिए सरकारी जॉब के पीछे लोग भागता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है और प्रमोशनल एवेन्यूज़, या फिर अगर प्राइवेट में भी इतना चीज़ मिल जाए वर्क रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन, तो ये सारे चीज़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये सारे चीज़ कर्मचारियों को प्रेरित करता है काम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, इन विच कंट्री द स्पॉयल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज वाज प्रिवेलेंट। आपको ये बताना है किस देश में लोक सेवाओं की भर्ती की स्पॉयल सिस्टम प्रचलित थी? इंडिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। अब देखिए उसके पहले एक बार देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में 1812 के आसपास यूज होता था और पहला स्पीच 1832 में सीनेटर विलियम मार्सी द्वारा न्यूयॉर्क में दिया गया था। स्पॉयल सिस्टम में ये है कि अगर मान लीजिए ऐसे समझिए कि ममता बनर्जी चुन के आए इस बार मुख्यमंत्री के रूप में और वो अपने लोगों को अलग अलग पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं जो उनके कैंपेन वर्कर्स हैं या एक्टिव सपोर्टर्स हैं, तो ये स्पॉयल। देखिए नाम ही स्पॉयल है, मतलब आप मेरिट को नज़रअंदाज करके, हाँ आपका कौन आपके लिए चुनाव में मदद करता है, आपको कौन जितवाता है, इस आधार पर उनके अगर नियुक्ति करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉयल सिस्टम। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज प्रिवेलेंट इन इंडिया। मेरिट सिस्टम, स्पॉयल सिस्टम, अथॉरिटेटिव सिस्टम, सेमी मेरिट सिस्टम। भारत में लोक सेवा का सेवा भर्ती की कौन सी प्रणाली है आप सबको पता होगा, हर तैयारी करते हैं, मेरिट सिस्टम यहाँ पे प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट इन मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्यों में भर्ती की निम्न में से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन सेम है, मेरिट सिस्टम, स्पॉयल सिस्टम, अथॉरिटेटिव, सेमी मेरिट सिस्टम। तो हर जगह मेरिट सिस्टम ही प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पॉयल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर में है नॉट प्रिवेलेंट, नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पॉयल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन भर्ती के स्पॉयल सिस्टम का परिणाम नहीं है? सीयर एफिशिएंसी। अब देखिए अगर स्पॉयल सिस्टम से बहाली करिएगा तो एफिशिएंसी कहाँ दिखेगा? पॉलिटिकल करप्शन, तो उसके वजह से इनका अपॉइंटमेंट होता है। नो रिलेशन बिटवीन जॉब एंड फिटनेस, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा परमानेंट टेन्योर, क्योंकि स्पॉयल सिस्टम में आए हैं तो आपका रास्ता अगर सही नहीं है बहाली का तो यू मे गो थ्रू द सेम वे। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेलेंट टू द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। निम्नलिखित में से कौन भर्ती की योग्यता प्रणाली के लिए प्रासंगिक है? पब्लिक सर्वेंट विल हैव रिस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल राइट्स, परमानेंट टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल एजेंसी टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट इनटू पब्लिक सर्विस और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं,
प्रमोशन इन पब्लिक सर्विस और रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन इज जस्टिफाइड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जस्टिफिकेशन। सार्वजनिक सेवा में पदोन्नति या अंदर से जो लोगों का भर्ती होता है कुछ आधार पर उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध औचित्य है, मतलब वैलिड जस्टिफिकेशन जिसका सही है? तो इट इज़ अ रिवार्ड फॉर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स विच आर इनहेरेंट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ करियर सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विथ ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। प्रबंधन का वह हिस्सा जो संगठन में मानव तत्व, देखिए यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट है से संबंधित है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एनी ऑफ द थ्री। देखिए यहाँ पे कोई भी सही हो सकता है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ये इसको देखिएगा कहीं कहीं शॉर्ट में HR, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी नाम का ये होता है जो ह्यूमन वर्क फोर्स को रिक्रूटमेंट करता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु क्वाइन्ड द टर्म ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही शब्द को किसने गढ़ा, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी? ऑप्शन नंबर ए है मैक्स वेबर, बी है गुलिक, सी है फ्योल और है पिफिनर, डी में। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है सोच के बताइए, ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के नौकरशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया? फिर ऑप्शन है मैक्स वेबर, गुलिक, फ्योल, फिनर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर का ही ये थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द इन विच कंट्री द ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डेवलप्ड। सार्वजनिक सेवाओं की तटस्थता की परंपरा किस देश में विकसित हुई थी? इंडिया है, UK है, फ्रांस और USA। यहाँ पे सही आंसर है UK में इसका डेवलपमेंट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसी सीरियल से एक सवाल और आ गया है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज मेंशनड बाय मैक्स वेबर। देखिए ब्यूरोक्रेसी वर्ड को ही क्वाइन किया मैक्स वेबर ने, उसका सिद्धांत भी दिया मैक्स वेबर ने। तो अब कौन सा फीचर मेंशन किया? नौकरशाही के निम्नलिखित विशेषताओं में से किसका उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया है? ऑफिस आर ऑर्डर्ड इन अ हायरार्की, देयर इज अ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑफिशियल एक्टिविटी फ्रॉम प्राइवेट लाइफ, ऑफिशियल ड्यूटीज आर कंडक्टेड इन ए स्पिरिट ऑफ इम्पर्सनैलिटी, और डी है ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट बिलोंग टू सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज कौन फंक्शन नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है गिविंग एडवाइस, प्रोग्राम एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और पॉलिसी फॉर्मेशन। अब देखिए एक बार सोचने से आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी फॉर्मेशन का काम किसका है, गवर्नमेंट का है, मतलब एग्जीक्यूटिव में जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वहाँ पॉलिसी बनते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बाई विच द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया फर्स्ट मूटेड। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए सबसे पहली बार भारत के लिए, एक संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा का विचार को पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? तो ऑप्शन ए है M.N. राय द्वारा 1927 में, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1942 में मुस्लिम लीग, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए M.N. राय द्वारा 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नोन एज। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, माउंटफोर्ड रिफॉर्म, बेवेल रिफॉर्म और नन ऑफ दीज। यहाँ देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, माउंटफोर्ड रिफॉर्म। देखिए मॉर्ले मिंटो 1909 इसके पहले का अधिनियम का है। और नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच आउटलाइन द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, उद्देश्य संकल्प जिसने भारत के संविधान के दर्शन को संविधान सभा में स्थानांतरित किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी।
ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही ऑप्शन है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फिर देखिए उसी से संबंधित है। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड द परसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज उद्देश्य संकल्प ने संविधान सभा की धारणा को परिलक्षित किया। कहाँ परिलक्षित किया ये बताना है। भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य होना चाहिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु गणराज्य है। यहाँ पे देखिए संप्रभु स्वतंत्र और गणराज्य ये संविधान सभा की धारणा को रिफ्लेक्ट करता था। नेक्स्ट सवाल देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ कानून की आत्मा, ये तो हिंदी है बुक का नाम स्पिरिट ऑफ लॉ ही समझिए, इसके लेखक कौन है तो रूसो जेस मिल मॉन्टेस्क्यू और बोडिन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत के जनक कौन है। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू मार्क्स एरिस्टोटल और बोडिन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में आपको आया होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में सेपरेशन ऑफ पावर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसी में ये लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी शैल बी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फाउंड इट्स बेस्ट एक्सप्रेशन। अब देखिए बेस्ट एक्सप्रेस शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत को किस देश के संविधान में अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मिली तो है भारत यूएसए चीन और ब्रिटेन। सही ऑप्शन है यूएसए के संविधान में। नेक्स्ट सवाल देखिए हु हैज़ द पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्यों के सीमाओं को बदलने की शक्ति किससे प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। ऑब्वियसली इसमें होगा संसद। संसद हमारे देश में सोवरन है सुप्रीम है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के निर्माण एवं पुनर्गठन संबंधित प्रावधान है उसमें नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है क्षेत्र का विस्तार हो सकता है राज्य का विस्तार हो सकता है सीमा का बदला जा सकता है और स्टेट के नाम का परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स अपॉन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट विधानसभा स्पीकर गवर्नर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर। जो राज्यपाल होते हैं वही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो जैसा कि जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और पद पे बने रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर प्रोविजन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मंत्रियों का प्रावधान है 4 है 3 है 2 और 1 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उपमंत्री। ऐसे कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है ना और डिप्टी मिनिस्टर्स ये होते हैं और जैसा कि पता होगा कैबिनेट मंत्री होता है वो हेड होता है डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो गवर्नर हाईकोर्ट जज चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट। देखिए रिक्रूटमेंट यहाँ से होता है हाईकोर्ट की तरफ से लेकिन इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है जैसे अनुच्छेद 209 के ए में लिखा हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन टू एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जिनको रिकमेंड करेगा उनकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए विच वेयर ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन कैन अप्रोच इफ वंस और दे आर डिप्राइव्ड ऑफ हिज और देयर फंडामेंटल राइट्स आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा यदि कोई व्यक्ति संस्था अपने मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो वह किस न्यायालय को अप्रोच करेगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों नन ऑफ दीज। यहाँ देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो और तो इसमें हम लोग हाईकोर्ट को सीधे अप्रोच करते हैं और
134 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इलेक्शन कमीशन। अभी चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो चुनाव आयोग में एक है, दो है, तीन और चार है। देखिए अभी चुनाव आयोग में दो हैं, दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, मिला के तीन। देखिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या आर्टिकल 324-329 नाम से मेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन का। पहले इलेक्शन कमीशन एक्चुअली में एक मेंबर का था, फिर तीन मेंबर का बना दिया गया है ना, फिर एक मेंबर बना, फिर तीन मेंबर बना। तो बहुत सारा घटनाक्रम इसके बीच में है। फिर इलेक्शन से संबंधित कौन कौन से रिफॉर्म्स कमेटी हैं, ये सारे उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, इंक्लूडिंग जो वीवीपैट क्या होता है, इलेक्शन से संबंधित और भी कई प्रावधान, डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह सारा उसमें डिटेल से समझाया गया है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच देयर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट हु मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलिब्रेटिव मजिस्टेरियल एंड जुडिशियल फंक्शंस। किसने पहली बार डेलिब्रेटिव मजिस्ट्रेट और न्यायिक कार्यों के बीच अंतर किया? ये हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, बोर्डिन, गार्नर फाइव, द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल ही सबसे पहले ये अंतर किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेसेज फेयर। तो निम्नलिखित में से किसे लेसेज फेयर के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आइडियलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए लेसेज फेयर क्या होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है अलाउ टू डू। इसमें है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लेस होता है, फेयर ऐसे समझिए, फेयर मतलब इंटरफेरेंस और लेसेज मतलब लेस, ऐसे फ्रेंच वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसी भी इकोनॉमिक अफेयर्स में कम से कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विच टाइप ऑफ राइट इज़ द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। सिविल राइट है, लीगल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, नेचुरल राइट है। सही ऑप्शन है देखिए पॉलिटिकल राइट है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के एक में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र संस्थाएं बनाने का सबको अधिकार है, और इसी के सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ए सर्टेन लिमिट, और उस पर सरकार प्रतिबंध भी लगा सकता है। नेक्स्ट सवाल देते हैं, वेयर सिंगल पार्टी सिस्टम इज फाउंड। एक पार्टी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? इन ऑप्शंस में देखिए इंडिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चाइना। तो कहाँ पाया जाता है? चाइना, सीपीसी। नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स सोवरेनिटी दैट लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब संप्रभुता है जो निम्नलिखित में से किसके साथ है? कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड पीपुल। तो सोवरेनिटी कहाँ लाई करता है? हमेशा पीपुल के पास, जहाँ पे भी पॉपुलर से सोवरेनिटी है तो वहाँ पे पीपुल के पास ही लाई करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विथ होम द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज एसोसिएटेड। किसके साथ अधिशेष मूल्य का सिद्धांत जुड़ा हुआ? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अमर सेन, स्टालिन। सही आंसर है कार्ल मार्क्स। अब ऐसे देखिए, डेविड रिकार्डो के थ्योरी से सहमत होते हुए कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि ऐसे समझिए सीधा हिंदी में कि अगर मान लीजिए वर्कर का संख्या बढ़ा ले रहे हैं या उसका एफिशिएंसी अगर बढ़ गया तो क्या होगा, आउटपुट में अंतर आएगा। जो आउटपुट में अंतर आएगा, तो आउटपुट में जो अंतर आएगा वो अंतर कौन खाएगा, उसका लाभ किसको मिलेगा, जो पूंजीपति है या जो बिजनेसमैन है उसको मिलेगा। तो इसमें ये बात को ध्यान रखना है कि मार्क्सिज्म थ्योरी के हिसाब से टू मेक ए प्रॉफिट मार्क्स आर द कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट द सरप्लस वैल्यू। मतलब जो सरप्लस वैल्यू, जो सरप्लस आमदनी हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका हिस्सा लेबर को भी मिलना चाहिए।
ये नहीं मिलता इसको। इन्होंने कार्ल मार्क्स ने बताया कि ये लेबर को एक्सप्लॉयट करना हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच इज़ नोन एज द बाइबिल ऑफ कम्युनिज्म। तो किसे साम्यवाद की बाइबिल, सीधे ऐसे समझा जाए, बाइबिल ऑफ कम्युनिज्म किसको कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, स्पिरिट्स ऑफ लॉ, द रिपब्लिक। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जानते हैं, ये साम्यवाद का जड़ है वो। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट वेयर देर इज़ द गवर्नमेंट वेयर देर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर्स इन नोन एज, वैसा वह सरकार जहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। तो शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो उस सरकार को क्या बोलेंगे? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द वर्ड बी द पीपुल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल शोज विच टाइप ऑफ सोवरेनिटी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस प्रकार के संप्रभुता को दर्शाता है? लीगल सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी, डे ज्यूर सोवरेनिटी और नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है पॉपुलर सोवरेनिटी। हम भारत, जैसे ही प्रीएम्बल शुरू होता है देखते हैं बी द पीपुल ऑफ इंडिया ऐसे शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डे ज्यूर, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ज्यूर मीन्स होता है लॉ, ठीक है ना। तो डी ज्यूर सोवरेनिटी मतलब होता है कि जो लॉ के हिसाब से चले, लॉ के हिसाब से जो चले या दैट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय लॉ। और डी फैक्टो सोवरेनिटी यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ का ही है, ये इसका उल्टा है। डी फैक्टो मतलब जो एक्चुअली में, डी फैक्टो मतलब जो एक्चुअली में जो होता है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है, विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिस इज कॉल्ड डी फैक्टो सोवरेनिटी। तो यही बस दो अंतर है। नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल, विच लॉ इज यूज्ड टू फेस एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो संसद के सत्र में न होने पर आकस्मिक स्थिति का सामना करने के समय कानून बनाने का अधिकार किसको है, या हम लोग कैसे कानून बनाते हैं हमारे देश में? स्टैट्यूट लॉ से, कॉमन लॉ से, ऑर्डिनेंस से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। देखिए सही आंसर है ऑर्डिनेंस। जानते हैं एक दो तीन करके हम लोग अगर भागते हैं, हाँ इमरजेंसी में एक दो तीन हो जाते हैं, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के हिसाब से अगर कोई भी सदन का, संसद का कोई भी सदन अगर सत्र में ना हो तो कानून बनाने के लिए हम लोग एक दो तीन करके भागते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस के रूप में कानून बनता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि व्हेन बोथ और आइदर ऑफ द हाउसेज इज नॉट इन सेशन में नहीं हो, और सरकमस्टांसेस ऑकर व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स इट नेसेसरी टू एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर हाउसेस टू असेंबल। और जैसे ही हाउस असेंबल होता है उसके एक निश्चित समय के अंदर इसको पास कराना पड़ता है, तभी ये इफेक्ट में रहता है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, राइट टू वर्क। देखिए सही आंसर यहाँ पे है पॉलिटिकल राइट का बात कर रहे हैं, बाकी देखिए फंडामेंटल राइट तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निगेटिव लिबर्टी इम्प्लाइज दैट, नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? फ्रीडम शुड बी अनलिमिटेड, फ्रीडम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, फ्रीडम टू रूल। देखिए यहाँ पे निगेटिव वर्ड पे ध्यान देना, निगेटिव लिबर्टी है तो फ्रीडम शुड बी अनलिमिटेड, फ्रीडम एकदम अनलिमिटेड कर दीजिए कि मतलब मांगे कि दिन को रात कर दीजिए तो वो फ्रीडम दे दीजिए उनको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच लॉ इज मेड बाई लेजिस्लेचर, विधायिका द्वारा कौन सा कानून बनाया जाता है? इंटरनेशनल लॉ विधायिका ने बनाएगा, स्टेट में जो स्टेचुटरी लॉ, कॉमन लॉ, नेचुरल लॉ भी नहीं बनाएगा, कॉमन लॉ भी नहीं बनाएगा। तो सही आंसर है स्टेचुटरी लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय रूसो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रिपब्लिक, द प्रिंस
पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का फेमस कृति है, एक आध बार मौका मिले तो गो थ्रू इट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑन विच डे ये सही है, एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए ये तो बिना सोचे समझे एक बार देख के आप आंसर कर सकते हैं, दिसंबर 10 को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबोलिस्ड इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर विच टाइप ऑफ इक्वालिटी, किस प्रकार की समानता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। लीगल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए सोशल इक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी एक सामाजिक समस्या है, इसलिए ये सोशल इक्वालिटी को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, फॉर विच पर्पस वॉज द यशवंत राव बलवंत राव चौहान कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यशवंत राव बलवंत राव चौहान समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। इलेक्शन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, रूरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। तो सही आंसर है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एक्चुअली में एक कमेटी बना था बाईबी चौहान के अध्यक्षता में 1969 में, वो उसको ये रिपोर्ट करके देना था जो पॉलिटिकल डिफेक्टर्स हैं, मतलब दल बदल करने से संबंधित हैं, दल बदल सिद्धांत से संबंधित है, उसी से संबंधित ये कमेटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। देखिए 1, 2, 3, 4 सही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए यहाँ पे दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में 30 सीट है विधानसभा का, दो ही ऐसा स्टेट है, दो ही ऐसा यूनियन टेरिटोरी है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच कमेटी हैज़ एडवाइज्ड टू चेंज द एज ऑफ वोटर्स फ्रॉम 21 टू 81, हाँ 18 से 21 करने की किस समिति ने मतदाताओं की आयु 18 से 21 करने की सलाह दी थी। तो यशवंत राव चौहान मंडल कमीशन, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, और जयप्रकाश नारायण कमेटी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। यहाँ पे ऑनरेबल जजेस का नाम है शरद अरविंद बोबडे, एन वी रमन्ना, एस टी माथुर, नन ऑफ दीज। देखिए अभी हाल ही में 24 अप्रैल को इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रूप में शपथ लिया, इनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन वी रमन्ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, इन विच कोर्ट द प्रॉब्लम एंड इश्यूज बिटवीन स्टेट्स आर रिजॉल्व्ड और डिसाइडेड, किस न्यायालय में राज्यों के बीच समस्या और मुद्दे हल किए जाते हैं। देखिए ये ऑलरेडी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्राइमरी जुरिस्टिक्शन सब सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जुरिस्टिक्शन अपीलेट जुरिस्टिक्शन है ना, इस तरह का कई जुरिस्टिक्शन है, उसमें प्राइमरी राज्यों के बीच में राज्य केंद्र प्लस केंद्र और राज्य, या राज्य कई राज्य और एक तरफ से केंद्र, इस तरह के जो भी इश्यूज राइज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी जुरिस्टिक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले देखिए ये इमरजेंसी का है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये यहाँ पे सही आंसर होगा 143। नेक्स्ट सवाल देखिए, हु हैज़ पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है। गवर्नर,
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार है। हाँ, किसी एक क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में भी ये लागू हो सकता है। तो चलिए, इस तरह से आज का 50 सवाल समाप्त हुआ और हमको आशा है कि ये सब 50 सवाल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव रियली लाइक्ड इट, यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।